बात बोलना ही कि हम 80 में से 80 सीटें जीत जाएंगे, ये अपने आप में एक झूठ है। और जो भी बातें कही गई हैं बड़े बड़े मंचों से, मैं समझती हूँ किसी भी बात को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। सभी समाज के लोग इस दमन और की राजनीति, जो दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, उसका समझ रहे हैं और इस बार सरकार को हटाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का बहुत गलत तरह से इस्तेमाल किया है, दक्षिण से लेके उत्तर तक, और सब लोग इंडिया गठबंधन में हैं और सभी लोग इस गठबंधन का हिस्सा हैं और मजबूती के साथ अपने अपने प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बात बोलना ही कि हम 80 में से 80 सीटें जीत जाएंगे, ये अपने आप में एक झूठ है। और लगातार लोग प्रदेश के और देश के लगातार इस तरह के झूठ सुनते आए हैं पिछले 10 सालों में। और जो भी बातें कही गई हैं बड़े बड़े मंचों से, मैं समझती हूँ किसी भी बात को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, आज सभी समाज के लोग इस दमन और की राजनीति, जो दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, उसका समझ रहे हैं और इस बार सरकार को हटाने जा रहे हैं। पेपर लीक आपने बिल को लेकर भी अपने कटाक्ष किया है, लेकिन बीजेपी कह रही है पेपर लीक तो मैं समझती हूँ कटाक्ष नहीं है, ये वास्तविकता है। आप समझिए इस बात को, क्योंकि आज देश का, प्रदेश का जो युवा है वो बार बार पेपर भर रहा है। जब भर्तियां निकलती है तो उसके फॉर्म्स भरे जाते हैं, वो अपने पैसे खर्च करके स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ वो एग्जाम लिखते हैं, और उसके 2-3 दिन बाद पेपर लीक के माध्यम से वो सभी नौकरियों को निरस्त कर दिया जाता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है और लगातार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं। अगर आप सत्ता में आएंगी तो पेपर लीक को क्या? मैं समझती हूँ अभी सब लोगों का, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सत्ता में आते हैं तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो सही तौर पे सत्ता को चला सके और जो रोजगार के अवसर और नौकरियों के अवसर पैदा कर सके। तो मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी पहले सत्ता में रह चुकी है और लगातार हमने रोजगार और युवाओं को नौकरियों के अवसर दिए हैं और लोगों को पूरा विश्वास है। इंडिया गठबंधन को कैसे समझ रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है पूरा। मैं समझती हूँ जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं उन्हें हमेशा हर चीज़ बिखरी हुई और टूटी ही नजर आएगी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि दक्षिण से लेके उत्तर तक और सब लोग इंडिया गठबंधन में हैं और सभी लोग इस गठबंधन का हिस्सा हैं और मजबूती के साथ अपने अपने प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फेक वीडियो बना रही है, जैसे आपने देखा निशा का वीडियो। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का बहुत गलत तरह से इस्तेमाल किया है। हमने देखा है किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी बचा नहीं है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो ये लोग हैं, ये सोशल मीडिया का माध्यम बनाकर महिलाओं को डायरेक्ट सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे और लाइक ट्विटर पे हो चाहे फेसबुक पे हो लगातार ट्रोल करते हैं। तो मैं समझती हूँ जिनके पास आर्मी है पूरी इस तरह के ट्रोलिंग की, इस तरह के अटेम्प्ट्स करने की महिलाओं के पास सोशल मीडिया पे, तो वो इस बात को कहना ही उनका ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जी। आखिरी सवाल है, परिवार ऐसा बीजेपी कह रहे, चूंकि वो कह रहे कि आपके परिवार के ही लोग जो है, अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने बहुत सारे प्रदेशों में पार्टियां जो बनाई हैं, चाहे वो कश्मीर से शुरू करते, मैं भी मुफ्ती के साथ जो उनका गठबंधन था, तो क्या तब उनको परिवारवाद नजर नहीं आ रहा था? जब उन्होंने पंजाब में सुखबीर सिंह बादल जी की पार्टी से जब गठबंधन किया तब उनको परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा था? जब उन्होंने कर्नाटका में, मैं समझती हूँ, अपने देवगौड़ा जी की पार्टी से गठबंधन किया तब उन्हें परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा था? तो मैं समझती हूँ परिवारवाद की बात नहीं है, वो ये देख नहीं पा रहे हैं और ये बात उनको बहुत चुभ रही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और गठबंधन पूरे देश में अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छी सीटें गठबंधन की आ रही हैं। दो चरण हो चुके हैं बिहार में हम लोगों ने, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शहजादे खान, आप समझिए इस बात को कि जो ये शतक की बात कर रहे हैं, जो 80 में से 80 की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो किस वेलोसिटी, किस फ्रीक्वेंसी में ये लोग झूठ बोलते हैं, हमको ये बात समझनी होगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज लोग जागरूक हो गए हैं। ये बात बोलना ही कि हम 80 में से 80 सीटें जीत जाएंगे, ये अपने आप में एक झूठ है। और जो भी बातें कही गई हैं बड़े बड़े मंचों से, मैं समझती हूँ किसी भी बात को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। सभी समाज के लोग इस दमन और की राजनीति, जो दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, उसका समझ रहे हैं और इस बार सरकार को हटाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का बहुत गलत तरह से इस्तेमाल किया है, दक्षिण से लेके उत्तर तक, और सब लोग इंडिया गठबंधन में हैं और सभी लोग
इस गठबंधन का हिस्सा हैं और मजबूती के साथ अपने अपने प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बात आप बोलना ही कि हम 80 में से 80 सीटें जीत जाएंगे, ये अपने आप में एक झूठ है। और लगातार लोग प्रदेश के और देश के लगातार इस तरह के झूठ सुनते आए हैं पिछले 10 सालों में, और जो भी बातें कही गई हैं बड़े बड़े मंचों से, मैं समझती हूँ किसी भी बात को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है आज सभी समाज के लोग इस दमन और की राजनीति, जो दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, उसका समझ रहे हैं और इस बार सरकार को हटाने जा रहे हैं। पेपर लीक आपने बिल को लेकर भी अपने कटाक्ष किया है, लेकिन बीजेपी कह रही है पेपर लीक। मैं समझती हूँ कटाक्ष नहीं है, ये वास्तविकता है, आप समझिए इस बात को। क्योंकि आज देश का, प्रदेश का जो युवा है वो बार बार पेपर भर रहा है, जब भर्तियां निकलती है तो उसके फॉर्म्स भरे जाते हैं, वो अपने पैसे खर्च करके स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ वो एग्जाम लिखते हैं, और उसके 2-3 दिन बाद पेपर लीक के माध्यम से वो सभी नौकरियों को निरस्त कर दिया जाता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है और लगातार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं। अगर आप सत्ता में आएंगी तो पेपर लीक को क्या? मैं समझती हूँ अभी सब लोगों का, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी जब आप सत्ता में आते हैं तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो सही तौर पे सत्ता को चला सके और जो रोजगार के अवसर और नौकरियों के अवसर पैदा कर सके। तो मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी पहले सत्ता में रह चुकी है और लगातार हमने रोजगार और युवाओं को नौकरियों के अवसर दिए हैं और लोगों को पूरा विश्वास है। इंडिया गठबंधन को कैसे समझ रही है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। मैं समझती हूँ जो लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं उन्हें हमेशा हर चीज़ बिखरी हुई और टूटी ही नजर आएगी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि दक्षिण से लेके उत्तर तक और सब लोग इंडिया गठबंधन में हैं और सभी लोग इस गठबंधन का हिस्सा हैं और मजबूती के साथ अपने अपने प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम कैरिशल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फेक वीडियो बना रही है, जैसे आपने देखा मिशा का वीडियो। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया का बहुत गलत तरह से इस्तेमाल किया है। हमने देखा है किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी बचा नहीं है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो ये लोग हैं ये सोशल मीडिया का माध्यम बनाकर महिलाओं को डायरेक्ट सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे और लाइक ट्विटर पे हो चाहे फेसबुक पे हो लगातार ट्रोल करते हैं। तो मैं समझती हूँ जिनके पास आर्मी है पूरी इस तरह के ट्रोलिंग की, इस तरह के अटेम्प्ट करने की महिलाओं के पास सोशल मीडिया पे, तो वो इस बात को कहना ही उनका ही साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं। जी आखिरी सवाल है, परिवार ये ऐसा बीजेपी कर रहे, चूंकि वो कह रहे कि आपके परिवार के ही लोग जो है। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने बहुत सारे प्रदेशों में पार्टियां जो बनाई हैं, चाहे वो कश्मीर से शुरू करते हैं, मैं भी मुफ्ती के साथ जो उनका गठबंधन था, तब क्या तब उनको परिवारवाद नजर नहीं आ रहा था? जब उन्होंने पंजाब में सुखबीर सिंह बादल जी की पार्टी से जब गठबंधन किया तब उनको परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा था? जब उन्होंने कर्नाटका में, मैं समझती हूँ, अपने देवगौड़ा जी की पार्टी से गठबंधन किया तब उन्हें परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा था? तो मैं समझती हूँ ये परिवारवाद की बात नहीं है, वो ये देख नहीं पा रहे हैं और ये बात उनको बहुत चुभ रही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और गठबंधन पूरे देश में अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छी सीटें गठबंधन की आ रही हैं। दो चरण हो चुके हैं, मार दिया हम लोगों ने, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शहजादे खान, आप समझिए इस बात को कि जो ये शतक की बात कर रहे हैं, जो 80 में से 80 की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, तो किस वेलोसिटी, किस फ्रीक्वेंसी में ये लोग झूठ बोलते हैं, हमको ये बात समझनी होगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज लोग जागरूक हो गए हैं।